हे गाइस, क्या तुम लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो? क्या ठंडियों में तो मेरा फेस बहुत ज़्यादा गोरा रहता है, खिलखिलाता हुआ रहता है, लेकिन जैसे ही गर्मियाँ आना स्टार्ट हो जाती हैं तो मेरा फेस काला होना स्टार्ट हो जाता है। तो यार देखो, काले होने के दो रीजंस होता है। पहला तो होता है टैनिंग, एंड दूसरा होता है वो काला हो ही जाता है। तो अगर तुम्हारा फेस पर टैनिंग है तो तुम उसे रिमूव कर सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक दी हुई है, तुम उस वीडियो के चेकआउट करके वो वाली वीडियो देख सकते हो। एंड जो तुम्हारे फेस की टैनिंग है उसको तुम आराम से रिमूव कर सकते हो। एंड जहाँ तक के लिए तुम्हारा फेस वैसे ही ब्लैक है, तुम उसे करना चाहते हो गर्मी में गोरा, तो इस वीडियो को देख सकते हो। बिकॉज आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, केवल जीरो इन्वेस्टमेंट में तुम घर पे एक ऐसी होम मेड रेमेडी बना सकते हो एंड उसको अपने फेस पे लगा सकते हो, जिससे कि तुम्हारा जो फेस है वो गर्मी में बहुत ज्यादा गोरा हो सकता है। एंड ये जो रेमेडी है केवल तुम लोग को वीक में दो बारी लगानी होगी। एंड तुम लोग देखोगे ना तो भाई शायद तुम्हें इससे अच्छी रेमेडी कोई और पूरे यूट्यूब में बताने वाला है। बिकॉज यार ये वाली रेमेडी बहुत ज्यादा सही होने वाली है। इसमें केवल तुम लोग को चार चीजों की जरूरत होने वाली है। एंड अगर हम बात करें इस रेमेडी को तुम किस किस नामों से बुला सकते हो, तो पहला है DIY फेस पैक के नाम से बुला सकते हो। एंड जो दूसरा है वो आता है इंस्टेंट ग्लोइंग फेशियल। एंड जो थर्ड है वो आता है लॉन्ग लास्टिंग ग्लोइंग फेशियल के नाम से। बिकॉज ये लॉन्ग लास्टिंग तुम्हारे जो फेस है उसको ग्लो करने वाला है, जो कि बहुत ज्यादा सही है। एंड ये सब तो कोई बाकी बात है। एंड अब हम बात कर लेते हैं कि तुम्हें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स सही होंगे। तो पहला इसमें आता है 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर। जाहिर सी बात है कि लोग घर में मिल्क पाउडर तो रहता ही, अगर नहीं रहता तो तुम लोग मार्केट से जाके बाय कर सकते हो। बट हाँ, हमारे यहाँ पे मतलब जहाँ तक कि मैं बात करूँ तो मेरे घर में रहता ही है, एंड मैक्सिमम लोगों के घर में वो रहता ही, बिकॉज मम्मी वगैरह जो होती हैं कुछ ना कुछ काम कर ही रहती होती हैं मिल्क पाउडर से, तो घर में किचन में अवेलेबल रहता ही है। तुम वहाँ से जाके मिल्क पाउडर ले सकते हो, नहीं है तो तुम लोग बाजार से खरीद के ला भी सकते हो। और जो हमारे पास सेकंड है वो आता है गुड़हल का पाउडर। अब गुड़हल एक फूल टाइप का होता है, जैसे कि आप सामने इसकी इमेज देख पा रहे हो, एक गुड़हल का पाउडर चाहिए होगा। अब मैक्सिमम लोगों की जो गाँव है घर के आसपास में गुड़हल का जो फूल है वो तो होता ही होगा। वो क्या करना है, तुम लोग को लाना है, उसको धूप में रख दो, अब सुबह से शाम तक रख दो, उतने वो पूरा सूख जाएगा। एंड उसका तुम लोग क्या करना है, अच्छे से उसको पीस के पाउडर टाइप का बना लेना होगा। पाउडर ले लेना है, अब मैक्सिमम 2 से 2 गुड़हल ले सकते हो, उसको अच्छे से पीस के उसका पाउडर बना दो। एंड उसको भी दूध वाले पाउडर के साथ मिक्स कर दो। एंड अगर तुम लोग के पास गुड़हल का पाउडर नहीं है तो वो भी मार्केट में अवेलेबल होता है, तुम लोग वो आराम से खरीद के ला सकते हो। अगर नहीं है तो अमेजोन या फ्लिपकार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम लोग वहां से जाके उसे आराम से बाय कर सकोगे। एंड जो हमारे पास थर्ड है वो आता है दही। अब तुम लोग को 1/2 टेबल स्पून दही भी लेना होगा, बिकॉज इसमें क्या होता है नेचुरल फैट होता है, जो कि तुम्हारे पोर्स को रिफ्रेश करने में मदद करता है। तो तुम लोग दही भी इसमें ऐड कर सकते हो 1/2 टेबल स्पून। एंड तुम लोग को 1 टेबल स्पून एलोवेरा जेल लेना होगा। अब यार एलोवेरा जेल की अगर हम बात करें तो यार इसमें क्या क्या खासियत है ये तो तुम लोग खुद ही जानते होगे। बहुत समय से, बहुत पुराने समय से जो एलोवेरा जेल है ना, लोग उसको अपने फेस पे अपने बालों पे लगाते हुए आ रहे हैं, खाते भी हैं कुछ लोग इसे तो। लेकिन अगर तुम लोग अपने फेस पे लगाओगे ना तो वो बहुत ज़्यादा सही इफेक्ट दिखाने वाला है। तो बेसिकली तुम लोग को ये चार चीज़ें चाहिए होंगी, मिल्क पाउडर, गुड़हल का पाउडर, कर्ड, एलोवेरा, ये चार चीज़ें तुम लोग को लेनी होगी। एंड इसको काफ़ी देर तक शेक करना होगा। एक्चुअली क्या होता है ना, जब ये आपस में पूरे एकदम अच्छे से मिक्स हो जाएंगे ना तभी ये बहुत ज़्यादा अच्छे से तुम लोग के फेस पे इफेक्ट करने वाला है। तो इसलिए चारों को आपस में मिक्स करके उसे काफ़ी देर तक, मतलब मैक्सिमम 5 से 6 मिनट तक तुम लोग इसको अच्छे से आपस में मिलाना होगा। पूरा अच्छे से मिला लिया एंड उसके बाद तुम लोग का एक पेस्ट टाइप का बनकर रेडी हो जाएगा। पूरा पेस्ट बनकर रेडी हो गया तो उसके बाद क्या करना है, तुम लोग अपने फेस पे लगाना होगा। फेस पे लगाने से पहले क्या करना होगा, अपने फेस को अच्छे से क्लीन करना होगा। अब चाहे तुम लोग एक गर्म पानी से फेस वॉश कर सकते हो, नहीं तो तुम लोग फेस वॉश से वॉश कर सकते हो। मेरी जहाँ तक रिकमेंडेशन रहेगी तो तुम लोग यार अगर फेस वॉश से अपना जो फेस है उसे वॉश कर लोगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, बिकॉज उसमें pH लेवल बहुत ज़्यादा कम होता है, जो कि तुम्हारे फेस के लिए बहुत ज़्यादा सही रहने वाला है। तो तुम लोग को फेस वॉश कर लेना है एंड उसके बाद तुम लोग को ये रेमेडी अप्लाई करनी है। अब जितना भी देर लगे, 5-10-15 मिनट लगे इस रेमेडी को सूखने में, उतना देर तुम लोग को लगा देना होगी। एंड जैसे ये रेमेडी जो है वो सूख जाएगी, उसके बाद तुम लोग को नॉर्मल वाटर से अपना जो फेस है उसे वॉश कर लेना होगा। एंड इसको वीक में आप लोग को 2 बारी अप्लाई करना होगा। एंड आप लोग देखोगे जो आप लोग का फेस है ना भाई, वो बहुत ज़्यादा अच्छा ग्लो करने वाला है। ये किसी फेशियल या ट्रीटमेंट से कम असर नहीं दिखाने वाला, बिकॉज इसमें ऐसे ऐसे इंग्रेडिएंट मिक्स है ना जो कि तुम लोग के फेस पर असर करने ही वाले हैं। एंड जहाँ तक अगर हम बात करें गुड़हल का पाउडर मैंने क्यों मिक्स करवाया, बिकॉज इसमें कुछ ऐसे ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो तुम लोग के फेस के लिए बहुत ज़्यादा सही रहते हैं। सेलेनियम, जिंक, मैग्नीशियम, विटामिन सी टाइप के इसमें रहते हैं, जो कि तुम लोग के फेस के लिए बहुत ज़्यादा सही इफेक्ट करने वाले होते हैं। तो इसलिए गुड़हल का पाउडर जो है इसको मैं मिक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब लोग कुछ लोग कहेंगे कि भाई मेरे पास गुड़हल का पाउडर नहीं है या कुछ और नहीं है, मैं कुछ और मिक्स कर सकता हूँ, तो ऐसी बात नहीं है। मैंने जो जो बताया है वही आप लोगों को इसमें मिक्स करना होगा। अगर आप कुछ और भी मिक्स करते हो तो आप लोग के फेस पर गलत इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। एंड हाँ, हो सकता है कि 100 लोगों में से 1 से 2 लोगों को ये जो है रेमेडी सूट ना करे, बट हाँ बाकी लोगों को सूट करने वाली है। तो अगर आप लोग एक बार ट्राई करके देख सकते हो, क्या पता आप लोगों के फेस पे सूट कर जाए। जहाँ तक सूट कर जाएगी ना तो भाई ये बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आप लोगों के फेस पे दिखाने वाला है। तो दोस्तों बस मुझे इस वीडियो में इतना बताना था। एंड अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी ना समझ में आया हो अभी भी बताने के बाद भी, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हो, इसका रिप्लाई मैं आप लोगों को जरूर देने वाला हूँ। एंड वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और एक्साइटिंग अमेजिंग वीडियोज इसके लिए। एंड मुझे करना इंस्टाग्राम पे फॉलो, बिकॉज मेरी वहाँ पे काफ़ी सारी लेटेस्ट फोटोज आती रहती हैं, अपडेट्स आती रहती है, स्टोरीज वगैरह मैं लगाता रहता हूँ। एंड तुम लोगों को कोई भी क्वेश्चंस वगैरह है तो वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, मैं आप लोगों को वहाँ पे भी रिप्लाई जरूर देने वाला हूँ। तो दोस्तों तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।